मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के बॉम्बे कॉलोनी स्थित संतोष नगर में 9 मई की रात में तृप्ति अपार्टमेंट में रहने वाले आशिफ हैदर फारूकी और शरीन अपार्टमेंट में रहने वाली कुलसुम अंसारी के बीच में विवाद हो गया। यहां तक कि मारपीट तक भी घटना सामने आई है। आसिफ की मां नुरेदा हैदर फारूकी के सर में वार किया गया है, मगर वहीं कुलसुम अंसारी ने बताया है कि आसिफ ने खुद ताला फेंक कर मुझे मारने जा रहा, मगर वही ताला उसकी मां के सर में जाकर लग गया। दरअसल विवाद की वजह बताई जा रही है कि आसिफ शरीन अपार्टमेंट के पास अपने खाला की दुकान में पांव देकर बाइक दुकान से थोड़ा आगे ले जाकर घुमा रहा था, तभी वहां पर मौजूद कुलसुम अंसारी ने बाइक घुमाने को लेकर मना किया और गाली दी, जिसके बाद मारपीट हुई, ऐसा आसिफ का कहना है। मगर कुलसुम अंसारी ने बताया है कि हम लोग नशा करने वालों से काफ़ी परेशान हैं, इसलिए मुमरा स्टेशन के तरफ जाने वाले इस रास्ते को हमारे बिल्डिंग के लोग ने मिलकर इसे बंद किया है, क्योंकि कोरोना बीमारी तेजी से फैल रही है और नशेड़ियों का यहाँ रात में घूमना और बंद पड़े इस शौचालय को नशेड़ियों ने अड्डा बना रखा है। और आसिफ बाइक घुमा नहीं रहा था, बल्कि जो इमारत के लोगों ने रास्ता ब्लॉक किया है उसको खोल रहा था। मना करने पर आसिफ धमकी दे रहा था और जिस वक्त विवाद हुआ रात को 2:30 बज रहे, आसिफ को जब रास्ता नहीं खोलने दिया गया तो उसने देख लेने की धमकी दी, और हालांकि इस दौरान कहा सुनी भी हुई, झड़प भी हुआ, मगर आसिफ को किसी ने मारा नहीं, बल्कि ताला फेंक कर आसिफ मुझे मार रहा था और वही ताला उसकी मां के सर पर लग गया। मगर वही कुलसुम अंसारी ने आसिफ और उनके एक रिश्तेदार पर एरिया में नशा बेचने और करने का आरोप लगाया है। बताया है कि ये लोग एरिया में नशा बेचते हैं और करते भी हैं, मगर वहीं आसिफ का कहना है कि वो नशा नहीं करता है, वो ये सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले सुने कि आसिफ ने इस पर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? आसिफ हैदर फारूकी। किससे झगड़ा हुआ था आपका? फिरोज अंसारी और उसके साथ दो जन आए थे, एक अली नाम था और एक सोनू नाम था। क्या वजह से हुआ था? ओ मैं आगे से ना पाव लेके आया था खाला का, पाव लेके आके जैसे पाव रखा मैंने, मैं आगे से बाइक घुमाने लगा, इतने में कुसुम नाम है उसकी उनकी अम्मी का, तो उसने वहाँ से गाली गलौज करने लग गए, तो यहाँ से मैं उनको बोल रहा हूँ क्या ना, खाली पाव लेके आया, खाली गाड़ी घुमा के खाली आ गया, गाली गलौज करने लग गए, और मैंने कुछ बोला भी नहीं, उसने मतलब वही सामने से बहुत सारी गाली देने लग गए मेरे को, मैंने कुछ खाली इतना ही बोला, वही क्या गाड़ी क्यों घुमाया वहाँ से गाड़ी नहीं घुमाने का, तो मैं खाली इतना ही बोल रहा था कि गाली मत दो, नहीं घुमाऊंगा गाड़ी बस, तो मैं आगे ले गया, इतने में उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो उनका बेटा आया आते बराबरी, फिरोज अंसारी नाम है उनके बेटे का, तो उनका बेटा आया आते बराबरी मेरे को मारने लग गया, मेरे को मारने लगा, इतने में ना मेरे दोस्त लोग थे जो बाद में लोग आए, पहले मेरी अम्मी आए भागते हुए, तो इतने में वहाँ से वो दो लड़के लोग भी आए, हाथ में एक के एक कुछ था, चाकू था एक के हाथ में और एक के हाथ में रॉड टाइप का, तो लोग आए तो लोग मेरे को मारने गए, तो एक उनको लगा फिरोज ना पीछे से पकड़ा था मेरे को और मार रहा था, इतने मेरे को मारने आए ना, इतने में एक खाली चाकू का कुछ था, वो चाकू अम्मी के सर पे लग गया। अच्छा ये पूरा मारपीट की घटना जो कहाँ पर हुई थी? पूरा मारपीट की घटना यहाँ नीचे हुई है, श्रीन अपार्टमेंट डी विंग के कोने में, और बल्कि वो रहते हैं श्रीन अपार्टमेंट ए विंग में। नहीं सर, मैं तो खाली पाव के चक्कर में विवाद हुआ, बाकी सबको आगे झूठ झूठ बोलते कि मैं नशा करता हूँ, मैं कुछ कर रहा था वहाँ, उल्टा एलो की वहाँ बैठते हैं, एलो की वहाँ क्या मालूम क्या बेचते सर, हम मेरे को कुछ नहीं मालूम, पर वहाँ पर है ना लोग कुछ बेचते क्या है क्या नहीं, हम लोग अपना है ना जो भी है सब बच्चे लोग है ना यहीं रहेंगे, तुमको खाली है ना हम लोग काम के वक्त नीचे उतरते हैं, बाकी वह घर पर ही रहते हैं, मेरी खाले की दुकान भी वहीं है, मेरी खाले की दुकान भी उधर ही है, मैं आता जाता हूँ मेरी खाले की दुकान पर बस, और बाकी आते जाते वहाँ पर आएंगे जाएंगे आप कोई भी ना अनजान आदमी तो सीधा गाली ही नहीं देते, उल्टा हम लोग खाना ही ना बांटते भी कभी कभार जाते, वही कुसुम अंसारी और उसकी बेटी जेबा और आगे जो एक है उनके साथ वाला जहाँ पर घर है लोग उन लोग ने बंद करके रखे वो रास्ता, वहाँ के मतलब वहाँ वाले लोग को भी है ना ये साइड आने के लिए ना दादागिरी करते, बोलते नहीं आने का ये साइड घूम के आने का, यहाँ आने नहीं देते, बोलते जो भी है तुम लोग है ना पूरा घूम के आने का, हम लोग को कभी दूध पाओ ये चाहिए रहता है ना, कभी फ़ोन करते तो हम लोग को मैं खुद वहाँ लेके जाके देता हूँ हम लोग को दूध पाओ लो।
वहीं घटना में शामिल सभी लोगों पर आसिफ ने मारपीट का आरोप लगाया है, मगर कुलसुम ने भी आसिफ के तरफ से लगाए हुए सभी इल्जामों को गलत बताया है। कुलसुम अंसारी ने आसिफ पर नशे को लेकर क्या आरोप लगाया है, सुनिए कुलसुम अंसारी ने क्या कहा। क्या है देखो, हम लोगों ने हमारी हिफाजत के लिए हमने ये सारा रास्ता बंद कर लिया, क्योंकि इतनी बीमारी फैल गई है कि कुछ पूछो मत। तो हम लोगों ने, ये पूरे बिल्डिंग वालों ने, हम लोगों ने सुन के ये सारा रास्ता बंद कर दिए। उधर का रास्ता बंद करे, वो दुकान के सामने का गली का रास्ता बंद करे, और उधर स्टेशन के जो बुरा लास्ट वाला जो पड़ता है ना, उधर का रास्ता बंद करे। तीन जगह का हमने रास्ता बंद करे। हमारी उसका कहना है कि जो बाइक लेके आया था अपने खाला की दुकान पे पांव देने के लिए, और उसने यहाँ से बाइक घुमाया, उसके बाद आपने उसको गाली दिया कि यहाँ बाइक नहीं लेके आने। नहीं नहीं, झूठ बात है ये। जब हो गया तो उसको जरूरत क्या यहाँ से आने की, जब एक टाइम मना कर दिए ये पट्टे पे आने का नहीं, तो उसको ये जरूरत क्या है यहाँ से बाइक घुमा के और रास्ता तोड़ने की। जब 2 बजे 2:30 बजे रात को यहाँ कोई नहीं रहेगा तो रास्ता तोड़ने का तेरे को मतलब नहीं है। लड़की लेके आता है 2 बजे रात को तो यहाँ से क्यों आता है, जब तुझे मालूम है यहाँ का रास्ता बंद है तो तू घड़ी लड़कों लोग को लेके क्यों आता है इधर, नहीं आने का हम लोग के इधर। उसने रास्ता तोड़ा था क्या? हाँ, रास्ता पूरा तोड़ा था, अभी वो लगाए थे पुलिस ने, लेकिन उसका कहना था कि जो है वो सिर्फ बाइक घुमा रहा था। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है, इसलिए हम लोग ने बोले तूने रास्ता क्यों खोला, तो वो बोला है उसने जो करना है कर लो, मैं रास्ता खोल के रहूंगा, क्योंकि उसको पुलिस ने एक कार्ड दिए बिंदास। क्यों उसको? लेकिन आप जो है नशे का आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो तो नशे से इनकार कर रहा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पूरा बिल्डिंग वाले बोलेंगे ना, पूरे बिल्डिंग वाले जो इतने जन है, जो हम लोगों ने सब अर्जी लिख के रखे ले हैं अभी तक का सारे जनों की, कि हमारे यहाँ जो लड़के लोग आते हैं बाहर से नशा लेने के लिए दुकानों में, तो ये हमारे दर नहीं चलेगा। जो हमको गवर्नमेंट ने तुमको दुकान वाले को बोले दूध पाव देने, हमको तुम दूध पाव दोगे, यहाँ एक भी लड़के नशे वाले नहीं आएंगे सिवा हमारे बिल्डिंग के। जो उनकी मम्मी है, तो उनकी मम्मी को जो चोट लगी है, उनका कहना है कि धार धार हथियार से जो है आप लोगों की तरफ से वार किया गया है उनके सर पे। अच्छा, वार करेगा कौन? अच्छा, वो मेरे बाजू में खड़ी उसका लड़के को जब गाली दी, वार करेगी तो इतना सा निशान आएगा, इतना सा निशान आएगा, वार कैसा रहता? वार उसको मालूम नहीं आज तक का, वार कैसा होता है उसके बेटे को पूछना था वार कैसा होता है। उसने मुझे ताला फेंक के मारा, मेरे बाजू में खड़ी थी, ताला उसके सर पे लगे लाए, और लगा तो उसने इतनी एक्टिंग करी कि जैसे कि मर गई है, ऐसा ऐसा चित्ता पड़ के। जब तेरे बेटे को इतनी ताकत नहीं है, जब तेरे को बोल दिए इधर से नहीं जाने का, मैं रास्ता, मैंने बोली रास्ता तूने खोला, हाँ मैं खोलूँगा, जो उखाड़ना उखाड़ लूँ, मतलब तेरे को, तू मुझसे इतनी बड़ी औरत से तू ऐसी बात करेगा, फिर तुझे मैं क्या करूँगी, तुझे तो मारूँगी पकड़ के, बराबर है ना, थोड़ी छोड़ूंगी। तू नशा बेच रहा कैसा, पहली बात तो ये सब बंद में, हम लोग को इधर राशन पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, हम लोग मार्केट नहीं जा रहे डर के मारे, और तू हमारे इधर पूरे जगह में नशा बेच के सारे चरसी लोग को, गर्दी लोगों को बुला रहा, और तेरा मामा तेरे को शहर दे रहा है, पैसे से पैसा दे रहा है, खरीद के लेके आओ, अपने घर में सब नशा रख रहा है और दुकान में नशा दे दे के बेच रहा है तेरा मामू, मतलब इसके लिए ये बंद हुआ है क्या? इसके लिए तुम लोग क्या हमारे ये पूरे जगह में बीमारी लाने वाले? नहीं लाने वाले भाई बीमारी, हम लोग लाने नहीं देंगे इधर, जितना हो सकेगा हम लोग के पूरे बिल्डिंग वाले जोर लगा लेंगे, यहाँ एक लड़के को आने नहीं देंगे, ना चर्सी को ना वो लड़के को। वही कुलसुम अंसारी का कहना है कि इमारत में रहने वाले सभी लोग नशेड़ियों से परेशान है और कोरोना बीमारी भी फैल रही है, अपनी सुरक्षा और हिफाजत के लिए हम लोगों ने ये रास्ता बंद किया है, हालात सुधरने के बाद हम इस रास्ते को खुद खोल देंगे। वहीं दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस घटना के बाद दोनों तरफ से लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और अपनी अपनी शिकायतें पुलिस में दर्ज भी करवाई हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।